झारखंड अस्मिता जागृति मंच के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर गुरुवार को एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रेल प्रशासन के तानाशाही रवैये के विरोध में आक्रोश व्यक्त करते हुए लोगों ने न्यायालय जाने और डीआरएम कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी। मौके पर उपस्थित मंच के नेता रंजीत सिंह परमार ने बताया कि बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के पुराना बाजार पुल से जोड़ा फाटक रेलवे फाटक तक 183 परिवार का बसेरा है, जिसके बाबत झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानीय लोग ने रेल प्रशासन के विरुद्ध मुकदमा दायर कर रखा है, जिसकी सुनवाई विचाराधीन है। ऐसे में रेल प्रशासन की ओर से सीआरपीएफ और अन्य रेल पदाधिकारी अक्सर आकर वहां बसे हुए परिवार को धमकाते हैं। इसके अलावा वहां रहने के एवज में रंगदारी की मांग करते हैं, जिससे लोग काफी आक्रोशित हैं। लोगों ने बताया कि रेल प्रबंधन अगर अपने रवैयों को नहीं सुधारती है तो वह लोग बाध्य होकर कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर करेंगे, साथ ही मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। रेल प्रशासन हाय हाय, रेल प्रशासन हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, बैंक मोड़ झरिया ब्रिज से लेकर जोड़ा फाटक रेलवे क्रॉसिंग तक 183 परिवार बसे हुए हैं और वहाँ वो जो जगह है वो विवादित स्थल है। वहाँ के जो बासिंदे हैं उनके और उनका केस जो है झारखंड माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस बीच में रेलवे प्रशासन द्वारा और आरपीएफ के द्वारा बार बार बीच में आकर लोगों को डराना, धमकाना, जगह खाली करने का आदेश देना और इन लोगों को कहना कि तुम लोग अपना बुढ़िया बिस्तर समेट लो, वरना वो लोग रंगदारी टैक्स का मांग करते हैं, और जिससे कि वहाँ की जनता बहुत त्रस्त है, वहाँ की जनता में एक दहशत फैला हुआ है और इसी के विरुद्ध आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना देकर हम रेल प्रशासन को ये मैसेज देते हैं कि यदि आप अपनी इस रवैये को नहीं छोड़ते, आप अपनी तानाशाही को नहीं छोड़ते हैं तो आपके ऊपर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे और हम लोग अगले चरण में डीआरएम का घेरा, धनबाद डीआरएम का घेराव करने जा रहे हैं। सीमा जी, अभी आप लोग रणधीर वर्मा चौक पे धरना पर क्यों बैठे हुए हैं? बार बार रेलवे वाला ने आकर हम लोग का धमकाता है, बोलता है यहाँ से हट जाओ, अपना बढ़िया बिस्तरा बांध। क्यों बोलता है? जो कि हम लोग का केस रांची उच्च न्यायालय में चल रहा है। कितने परिवार लोग हैं आप लोग? 183 घर। कब से रह रहे हैं? हम लोग 1984 से रह रहे हैं। उसके पहले मैं पिताजी रहते थे, सास ससुर रहते थे। धरना के माध्यम से भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो नहीं होगा तो फिर हम लोग डीआरएम को घेराव करेंगे।